स्टार्ट कर देते हैं, टाइम भी कोई नहीं है। ठीक है, अपन आज क्या करेंगे, हर्बेरिया, बॉटनिकल गार्डन्स एंड टैक्सोनॉमिक लिटरेचर। ठीक है, तो किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए कुछ उपकरण या साधन आवश्यक होते हैं। ठीक उसी प्रकार से पादप वर्गीकरण के प्रमुख उद्देश्य अर्थात पादप की पहचान, आइडेंटिफिकेशन, नामकरण, नोमेनक्लेचर तथा वर्गीकरण प्राप्त करने हेतु इनसे संबंधित विशेष जानकारियों को हासिल करना जरूरी होता है। तो इन जानकारियों को जिन स्रोतों से प्राप्त किया जाता है उन्हें पादप वर्गीकी के साधन टूल्स ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो पादप वर्गीकी के प्रमुख साधन या स्रोतों को निम्न प्रमुख श्रेणियों में रखा जाता है। पहला है बेटा हर्बेरियम, तो जहां पादप प्रतिरूपों को परिरक्षित प्रिजर्व कर संग्रहित किया जाता है वो हर्बेरियम कहलाता है। नेक्स्ट है बॉटनिकल गार्डन्स, वनस्पति उद्यान, यहाँ विभिन्न प्रकार के पौधों को उनके प्राकृतिक आवासों में उगाया जाता है। इन्हें वनस्पति शास्त्र की आउटडोर लेबोरेटरी भी कहा जाता है। तीसरा है वर्गीकीय साहित्य, टैक्सोनॉमिक लिटरेचर, यहाँ वर्गीकीय आयाम से संबंधित साहित्य, इंडेक्स, पत्रक, सूचक, डिक्शनरीज, मोनोग्राफ्स, फ्लोरा मैनुअल्स तथा टैक्सोनॉमिक जर्नल्स आदि सम्मिलित हैं। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, हर्बेरियम की। वी आर टॉकिंग अबाउट द हर्बेरियम। दो जने आए, अभी हर्बेरियम की बात कर रहे हैं अपन। हर्बेरियम है, जैसे हर्बेरियम एक ऐसी जगह है जहाँ शुष्क एवं परिरक्षित पादप प्रतिरूपों प्लांट स्पेसिमेंस का संकलन या संग्रहण किया जाता है। यहाँ पादप प्रतिरूपों का संकलन किसी स्वीकृत वर्गीकरण पद्धति के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। तो पादप प्रतिरूपों के साथ उनके विषय में भी सभी आवश्यक सूचनाएं अथवा विवरण भी अंकित किया जाता है। तो अपन बात कर रहे हैं हर्बेरियम की। तो हर्बेरियम एक ऐसी जगह है जहाँ शुष्क एवं परिरक्षित पादप प्रजातियों का संकलन या संग्रहण किया जाता है। तो पादप संग्रहालय तैयार करने का उद्देश्य आगामी संदर्भ एवं शोध कार्य के लिए विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले पादपों के प्रतिरूप एवं उनके विषय में आवश्यक समग्र जानकारी प्राप्त करने का होता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न पादपों की पहचान एवं संरचना का ज्ञान उनके चित्र या फोटो को देखकर या उनके विवरण को पढ़कर पूरी तरह संभव नहीं हो पाता। तो इसके लिए कभी कभी यह भी जरूरी हो जाता है कि विभिन्न पादप प्रतिरूपों की तुलना उनके चित्र एवं विवरण से की जाए। ये तुलनात्मक अध्ययन तभी संभव हो सकता है जब पादप संग्रहालय में रखे प्रतिरूप हर्बेरियम शीट के रूप में उपलब्ध हो। इस प्रकार हर्बेरियम पौधों की पहचान के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। सविता शर्मा और आ गई अभी। सविता, अपन हर्बेरियम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो एक स्लाइड शेयर वही वाली कर रही हूँ मैं। तीन जने हो गए आप। ठीक है, तो हर्बेरियम तैयार करने के लिए विभिन्न पादपों को खुले क्षेत्र फील्ड में अध्ययन कर संग्रहित किया जाता है। इसके पश्चात इन्हें फैलाकर सुखाकर हर्बेरियम शीट तैयार कर संकलन किया जाता है। तो हर्बेरियम या पादपालय तैयार करने की विधि का संक्षेप में विवरण प्रस्तुत है। तो पहला है बेटा इक्विपमेंट्स। पहला अपन किसकी बात करेंगे, इक्विपमेंट्स की बात करेंगे। तो ये देखो, पादप सामग्री इकट्ठी करने के लिए उपयोगी उपकरण। तो पहला है, ए में दिखाया गया है खुरपी है, और बी में दिखाया गया है आपको वेस्क्यूलम है, और सी में है आपकी कलम कैंची। तो अपन किसकी बात करेंगे, सबसे पहले पादप आवश्यक उपकरण की इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो क्षेत्र अथवा फील्ड से पादप प्रतिरूपों को एकत्र करने के लिए प्रमुख उपकरण आवश्यक होते हैं। पहला है
डिगर जिसको कि खुरपी कहते हैं, तो पादप प्रतिरूप संग्रहण के लिए फील्ड में खुरपी एक आवश्यक उपकरण होता है जो छोटे शाकीय पौधों को जड़ सहित खोदने में सहायक है। इसके अतिरिक्त प्रकंद, बल्ब तथा कॉम्ब्स आदि जो पादप पहचान में सहायक होते हैं, खुरपी की सहायता से आसानी से निकाले जा सकते हैं। तीसरा है कलम कैंची। कलम कैंची तो काष्ठीय वृक्षों की टहनी एवं फल आदि को काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो कलम कैंची के अतिरिक्त कटर, चाकू या कैंची सीजर का भी उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है वेस्कुलम। क्या है वेस्कुलम? तो यह टीन या एल्यूमिनियम से बना, ये टीन या एल्यूमिनियम से बना बेलनाकार डिब्बा होता है। फील्ड में एकत्र किए गए शाकिग्र फील्ड में एकत्र किए गए शाकीय पादपों व टहनियों को इसमें रखा जाता है ताकि पौधे मुरझाए नहीं। तो वेस्कुलम के स्थान पर मोटी मजबूत पॉलिथीन की थैलियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। वह माया खटिक भी आ गए, चार हो गए। अब है प्लांट प्रेस, पादप प्रेस। इसमें ताजे पादप प्रतिरूप फील्ड में ही प्रेस किए जा सकते हैं जिससे जल्दी सूख जाए तथा इनका यथासंभव परिरक्षण हो सके। एक अच्छी प्लांट प्रेस में प्लाईवुड या बोर्ड अथवा तार की जाली के दो फ्रेम होते हैं। इन फ्रेम के मध्य अखबार या ब्लॉटिंग पेपर पर पौधों को फैलाकर दबाया जाता है। दोनों फ्रेम को कसकर बांधने के लिए बेल्ट लगा होता है। तो प्लांट प्रेस की उपयुक्त साइज 12x18 इंच अर्थात 30x45 सेंटीमीटर होती है। अब बात करते हैं फील्ड नोटबुक। तो एक स्लाइड में शेयर फिर से कर रही हूँ आपके साथ, देखते हैं एक बार। देखो ये है आपका इक्विपमेंट्स की बात कर रहे थे, तो मैंने क्या बताया था आपको, डिगर के बारे में बता दिया, कलम कैची, वेस्क्यूलम के बारे में। अब बात करते हैं किसकी, फील्ड नोटबुक और डायरी। तो कार्य क्षेत्र अथवा फील्ड में पौधों को उनके प्राकृतिक आवास से एकत्र करते समय पादप एवं इसके आवास के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं अंकित करनी आवश्यक होती है। अतः इसके लिए विशेष प्रकार की फील्ड डायरी या नोटबुक तैयार की जाती है। एक सामान्य फील्ड डायरी में 100 पृष्ठ होते हैं जिन पर वही नंबर होता है जो डायरी के पेज पर होता है। ये टैग फील्ड डायरी से अलग किए जा सकते हैं। किसी स्थान विशेष से एकत्र एक प्रजाति के पादप प्रतिरूपों में एक ही नंबर के टैग लगाए जाते हैं। इसके बाद फील्ड डायरी के नामांकित पृष्ठ पर क्रमानुसार पादप प्रतिरूप के संबंध में आवश्यक सूचनाएं अंकित कर दी जाती हैं, जैसे पादप एकत्र करने का स्थान, दूसरा एकत्र करने की विधि, पौधे का स्थानीय नाम, पादप स्वभाव, आवास, पुष्प के लक्षण एवं रंग, बहुल्य, मृदा का प्रकार इत्यादि। यदि ज्ञात हो तो पादप का सामान्य नाम एवं कुल भी अंकित कर देना चाहिए। आदर्श है अन्य है महत्वपूर्ण उपकरणों के अतिरिक्त कुछ अन्य सामग्री जैसे एक जोड़ी चिमटी, फोर्सेप्स, दस्ताने, हैंड लेंस अथवा पॉकेट लेंस एवं पॉकेट डायरी भी रखनी चाहिए। तो फील्ड में पादप अन्वेषण के लिए जाते समय वेशभूषा एवं अन्य बातों का भी ध्यान रखना आवश्यक है। सभी आवश्यक उपकरण एक बड़े थैले जिसे पीठ पर लटकाया जा सके में रखना चाहिए तथा पानी से भरी वाटर बोतल भी साथ लेनी चाहिए। चप्पलें या सैंडल पहनकर फील्ड में नहीं जाना चाहिए और कैनवास के जूते या स्पोर्ट शूज उपयुक्त रहते हैं। तो अपन देखते हैं, पहला है कलेक्शन ऑफ, दूसरा है कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन, पादप प्रतिरूपों को एकत्र करना। तो हर्बेरियम की स्थापना के लिए सबसे पहले प्लांट स्पेसिमेंस को, पादप प्रतिरूपों को एकत्र करने का कार्य किया जाता है। अच्छी किस्म के पादप प्रतिरूपों को एकत्र करने के लिए पादप संग्रह की तकनीक भी सही
वह श्रेष्ठ स्तर की अपनाई जानी आवश्यक है। तो क्षेत्र में भ्रमण के समय पादप प्रतिरूपों को वृद्धि एवं जनन की अलग अलग अवस्थाओं में विभिन्न स्थानों से एकत्र करना चाहिए, ताकि पादप की स्थिति में संपूर्ण पौधे को लेना चाहिए, अर्थात पौधे के जड़, तना, पत्तियां, पुष्पक्रम व फल, ये सभी संरचनाएं पादप प्रतिरूप में होनी चाहिए। तो बड़े काष्ठीय एवं बहुवर्षीय पादपों की स्थिति में इनकी पुष्प युक्त एवं फल युक्त शाखा एकत्र की जाती है। इसमें पौधे के पर्ण विन्यास एवं पुष्पक्रम को समझाने में सुविधा होती है। यदि पौधे में जड़ के स्थान पर या इसके अतिरिक्त कोई अन्य भूमिगत भाग जैसे कंद, शल्क कंद या बल्ब इत्यादि हो तो इनको अवश्य एकत्र कर परीक्षित करना चाहिए। ये पादप अंग पौधे की पहचान का निर्धारण करने में उपयोगी होते हैं। तो पादप प्रतिरूप एकत्र करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यथासंभव स्वस्थ पादप या पादप भाग का चयन किया जाए। रोगग्रस्त पादप एवं कटी-फटी पत्तियों वाले पादप प्रतिरूप अनुपयोगी होते हैं तथा पादप की पहचान को परिलक्षित करने में सहायक नहीं होते। तो पादप प्रतिरूपों को अलग अलग अवस्थाओं में एकत्र करने के लिए क्षेत्र का भ्रमण कई बार करना चाहिए। नेक्स्ट है, तीसरा है, प्रतिरूपों को प्रेस करना एवं सुखाना, प्रेसिंग एंड ड्राइंग ऑफ द स्पेसिमेंस। तो एकत्र किए गए पादप प्रतिरूपों प्लांट स्पेसिमेंस को अखबार या ब्लॉटिंग पेपर पर भली भांति फैलाकर दबाया जाता है तथा एक प्रेसिंग पेपर पर एक ही पौधे को फैलाकर प्रेस किया जाता है। पादप को फैलाते समय ध्यान रखना चाहिए कि कुछ पत्तियों की ऊपरी सतह तथा कुछ पत्तियों की निचली सतह प्रदर्शित होनी चाहिए। यदि पत्तियों का आकार बहुत बड़ा हो तो केवल एक ही पत्ती को प्रेस करना चाहिए। यदि पौधा अथवा उसकी शाखा लंबी हो तो उन्हें वी, एन अथवा डब्ल्यू के आकार में मुड़ा जा सकता है। तो मांसल अंगों को प्रेस करने के लिए उन पर स्पंज के पैड्स लगाकर प्रेस करना चाहिए। जलीय पौधों को ब्लॉटिंग पेपर पर रखकर उनका पानी सोख लेना चाहिए। इसके बाद इन्हें फैलाकर प्रेस करना चाहिए। तो पादप प्रतिरूपों प्लांट स्पेसिमेंस को अखबार या ब्लॉटिंग पेपर सहित पादप प्रेस के दोनों फ्रेमों के बीच रखकर प्रेस को बेल्ट से कसकर बांध दिया जाता है। इन्हें सुखाने के लिए पादप प्रेस को हल्की धूप में रखा जाता है। और लगभग 24 घंटे पश्चात प्रेस को खोलकर नम अखबार या ब्लॉटिंग पेपर बदल दिए जाते हैं और पुनः पौधों को प्रेस में बांधकर रखा जाता है। यह प्रक्रिया पादप प्रतिरूपों को पूरी तरह से सूख जाने तक निरंतर जारी रखनी होती है। फिर है प्रिपरेशन ऑफ हर्बेरियम शीट तैयार करना। हर्बेरियम शीट पर सूखे पादप प्रतिरूप को चिपकाया जाता है। एक हर्बेरियम शीट की स्टैंडर्ड साइज 28.75 × 41.25 cm या 11.50 इंच से लेकर 17.50 इंच तक होती है। ये हर्बेरियम शीट का बात करते हैं तो ये हर्बेरियम शीट अत्यंत मोटी व मजबूत कार्ड शीट की बनी होती है जिससे इनको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो कार्ड शीट के ऊपरी सिरे पर पादप संग्रहालय का नाम लिखा रहता है तथा शीट के नीचे की तरफ दाएं कोने में पादप प्रतिरूप से संबंधित सूचनाओं का लेबल या तो छपा होता है जिसमें तत्संबंधी प्रविष्टि कर देते हैं या लेबल चिपकाया जाता है। तो सूखे पादप प्रतिरूप को
हर्बेरियम शीट पर सावधानी पूर्वक चिपकाया जाता है और प्रतिरूप चिपकाने की इस प्रक्रिया को माउंटिंग कहते हैं, आरोपण कहते हैं। तो हर्बेरियम शीट पर पौधों को चिपकाने के लिए मर्क्यूरिक क्लोराइड युक्त सरेस के घोल को 12x18 साइज की ट्रे में भर लेते हैं तथा सूखे हुए प्रतिरूप को इस घोल की सतह पर तैराकर जब सरेस पूरी सतह पर लग जाए तो चिमटी के द्वारा सावधानी पूर्वक उठाकर हर्बेरियम शीट पर रख देते हैं। तो हर्बेरियम शीट पर मोटी शाखाएं गोंद युक्त बांस के कागज गम्ड ब्राउन पेपर की सहायता से भी चिपकाई जाती है। तो हर्बेरियम शीट पर मोटी शाखाएं गोंद युक्त बांस के कागज की सहायता से भी चिपकाई जाती है और पादप प्रतिरूप को चिपकाने के लिए सेलोफेन टेप का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि यह कुछ समय बाद स्वतः ही कागज से अलग हो जाता है। तो पादप प्रतिरूप को अच्छी तरह चिपकाने के बाद दूसरे या तीसरे दिन इनके मुख्य अक्ष के 2 या 3 जगह पर मोटे धागे से शीट के साथ टांके लगा देते हैं जिससे प्रतिरूप स्थायी तौर पर शीट से लगा रहे। एक हर्बेरियम शीट पर एक ही पौधा चिपकाना चाहिए। तो अपन देखते हैं स्लाइड। एक हर्बेरियम शीट पर क्या बता रहे हैं, एक हर्बेरियम शीट पर एक ही पौधा चिपकाना चाहिए। यदि डिसेक्टेड फ्लावर व फल इत्यादि शीट पर सुरक्षित रखने हो तो उनको कागज या पॉलिथीन की छोटी थैली में रखकर हर्बेरियम शीट पर चिपका देना चाहिए। अब आता है लेबलिंग ऑफ द हर्बेरियम शीट। क्या आया, लेबलिंग ऑफ द हर्बेरियम शीट, हर्बेरियम शीट नामांकन। तो हर्बेरियम शीट के निचले दाएं कोने पर 3x5 के आकार का एक लेबल लगाया जाता है। इसमें पादप प्रतिरूप से संबंधित फील्ड डायरी में उतारी गई सभी आवश्यक सूचनाएं अंकित कर ली जाती है। तो हर्बेरियम शीट के लेबल में निम्न सूचनाएं होनी चाहिए। तो क्या क्या सूचनाएं होनी चाहिए, लेबल के शीर्षक में उस संस्थान का नाम जहां ये पादप संग्रहालय अवस्थित है, जैसे हर्बेरियम डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी गवर्नमेंट कॉलेज झालावाड़, वैसे शीर्षक उस क्षेत्र का नाम भी परिलक्षित कर सकता है जहां से ये पौधे इकट्ठे किए गए हों, जैसे फ्लोरा ऑफ जयपुर डिस्ट्रिक्ट और फ्लोरा ऑफ राजस्थान। फिर आप देख रहे हो हर्बेरियम शीट का मैं निकाल रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ डायग्राम। फिर आप कह रहे हो जैसे गवर्नमेंट कॉलेज झालावाड़ लिख दिया। फिर है पादप कुल फैमिली का नाम। नेक्स्ट है बॉटनिकल नेम ऑफ द प्लांट, फिर लिखेंगे अपन बॉटनिकल नेम ऑफ द प्लांट, इसमें दे रखा है एस्फोडेलस, मतलब पौधे का वानस्पतिक नेम। फिर उस स्थान का नाम जहाँ से पौधा एकत्र किया गया है, तो नेम ऑफ द लोकेलिटी और पौधा एकत्र करने की विधि की तिथि, पौधा एकत्र करने की तिथि मतलब डेट, ये 17 ये दिखाई हुई है डेट, पौधा एकत्र करने की तिथि, आवास हैबिटेट को लिखेंगे। इसके बाद हैबिट एंड अबंडेंस, स्वभाव व बाहुल्य, तो पौधा एकत्र करने वाले का नाम मतलब कलेक्टर का नाम मतलब पौधा एकत्र करने वाले का नाम, और एक है कलेक्टर्स फील्ड नंबर, संग्राहक संख्या को लिखेंगे। ये पौधे का स्थानीय नाम लोकल नेम, जैसे प्याजी है लोकल नेम, पौधे का स्थानीय नाम एवं स्थानीय निवासियों द्वारा पौधे का कोई उपयोग हो तो उसकी सूचना, अन्य कोई महत्वपूर्ण सूचना। फिर आता है फाइलिंग ऑफ द हर्बेरियम शीट। क्या आया, फाइलिंग ऑफ द हर्बेरियम शीट, पादप संग्रहालय में हर्बेरियम शीटों का रख रखाव। तो हर्बेरियम शीट पर अच्छी तरह चिपकाए गए एवं पूर्णतः परिरक्षित पादप प्रतिरूप को सुव्यवस्थित क्रमबद्ध एवं किसी मान्य वर्गीकरण प्रणाली के अनुरूप रखने की प्रक्रिया को फाइलिंग कहते हैं। तो इसे कहते हैं फाइलिंग। तो एक प्रजाति के सभी पादप प्रतिरूपों को मोटे कागज के एक फोल्डर में रखते हैं तथा पादप प्रतिरूप युक्त फोल्डर्स को निश्चित पादप वर्गीकरण प्रणाली के अनुरूप लकड़ी या स्टील की बनी अलमारियों में बने खांचों में व्यवस्थित किया जाता है। तो भारत, तो अब भारत नहीं, बेंथम एंड हुकर, भारत एवं इंग्लैंड में बेंथम एंड हुकर, अमेरिका में बैसे तथा अन्य यूरोपियन देशों में
एंगलर एवं प्रेंटल के वर्गीकरण के अनुरूप वहां के पादप संग्रहालय व्यवस्थित किए गए हैं। तो अपन देखते हैं हर्बेरियम शीट, क्योंकि एक स्थायी संग्रह है तथा निरंतर संदर्भ हेतु प्रयुक्त की जाती है, अतः इन पर चिपकाए गए पादप प्रतिरूपों पर सूक्ष्म जीवों, कवक तथा जीवाणु एवं कीटों के आक्रमण का निरंतर खतरा बना रहता है एवं इसकी वजह से ये हर्बेरियम शीट्स क्षतिग्रस्त या नष्ट हो सकती है। अतः हर्बेरियम शीट्स को किसी प्रकार की क्षति से बचाने के लिए इनमें समय समय पर फंजीसाइड्स, कवकनाशी व कीटनाशी इंसेक्टिसाइड्स पाउडर छिड़का जाता है। इसके अतिरिक्त हर्बेरियम की अलमारियों व इनके खांचों में भी कीट प्रतिरक्षी पदार्थ जैसे डीडीटी, नेप्थिलीन, वॉल आदि रखे जाते हैं और वर्ष में एक बार सभी हर्बेरियम शीट्स को बंद कमरे या संदूक में रखकर कार्बन डाइसल्फाइड से धूमित किया जाता है। तो अपन ये क्या देख रहे हैं, दिस इज द फ्लोरा ऑफ झालावाड़। ये क्या देख रहे हैं, ये हर्बेरियम अल्मीरा है। हर्बेरियम क्या है, अल्मीरिया है, और ये फ्लोरा है जो कि इसका है फ्लोरा ऑफ झालावाड़। तो ये है रेनिकुलेसी फैमिली के पादप इसमें रखे गए हैं, एक है मैग्नोलियेसी कुल के, एक है निम्फियेसी कुल के, एक पेपेवेरेसी कुल के। तो इस अल्मीरा में अलग अलग फैमिलीज को के पादप रखे गए हैं, ब्रैसिकेसी कुल के, मालवेसी कुल के, कैरियोफाइलेसी व वायोलेसी कुल के, इसी प्रकार जिरेनियेसी व रूटेसी कुल के पादप रखे गए हैं। फिर रोल और सिग्निफिकेंस ऑफ हर्बेरिया, पादप संग्रहालयों की महत्ता। तो पादप वर्गी की संबंधी अध्ययन अर्थात पौधों की पहचान, नामकरण एवं वर्गीकरण इत्यादि वनस्पति शास्त्र की अन्य सभी शाखाओं के अध्ययन का आधार स्तंभ है। यदि किसी पौधे के कुल, फैमिली, जीनस, वंश या प्रजाति के बारे में आवश्यक जानकारी नहीं हो तो उस पौधे से संबंधित अन्य अध्ययन कार्य प्रारंभ नहीं किए जा सकते। इसलिए अन्य शाखाओं के अध्ययन के लिए पहले आसपास उग रहे पौधों के बारे में जानकारी हमारे लिए आवश्यक है तथा ये जानकारी हर्बेरियम के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। तो ये केंद्र पौधों के आवास एवं आकारिकीय लक्षणों से संबंधित जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसलिए पौधों से संबंधित विभिन्न प्रकार के अध्ययनों में पादप संग्रहालयों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हर्बेरियम के महत्वपूर्ण दृष्टिगत रखते हुए हमारे देश में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर पादप संग्रहालयों हर्बेरिया की स्थापना एवं विकास के बारे में प्रयास किए जाने चाहिए। तो ये था हर्बेरियम के बारे में। अच्छा, आप लोग आ गए क्या बेटा, मायांग आ गए क्या, जयपुर आ गए क्या, समीक्षा, माया, नीतू? नो मैम, मैं तो घर पे ही हूँ। घर पे ही हो, कब आओगे बेटा? मैम मैं 16 या 17 तक आऊंगी।